व्हाट्सअप माय ब्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सो गाइस, आफ्टर द फुल इंजन रिस्टोरेशन अभी टाइम है अपने को चेसिस रिस्टोरेशन करने के लिए अपनी RX 135 सीरीज का। तो यहाँ पे है अपनी चेसिस जिसका हाल थोड़ा सा बेहाल है, मतलब अच्छा खासा। इस पर मैंने पहले डीजल मार के छोड़ा है, बट अभी इसको रिमूव करने के लिए मेरे पास दूसरा टेक्निक है। और ये चेसिस को हम लोग को पूरा रिस्टोर करके पेंट करना है ब्लैक में। तो आपको एकदम इजी प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप फास्ट रिस्टोर कर सकते हो। देखो, इसके दो तरीके, या तो आप पेपर से इसको 80 नंबर के पेपर से पूरा सैंड कर सकते हो, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और थोड़ा सा मेहनत वाला प्रोसेस है। बट अपने पास एक क्विक प्रोसेस है जिसमें अपने पूरी चेसिस को बहुत जल्द, मतलब आधे घंटे में जो है पूरा कंप्लीट रिस्टोर कर सकते हैं। मतलब जो रस्ट लगाया उससे रस्ट फ्री कर सकते हैं। वो क्या चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। देखो, एक ग्राइंडर में लगने वाला एक सिंपल एक टूल आता है कुछ इस तरीके का, अभी मैं परचेस करके लाया हूँ। ये 100 रुपीज़ के आसपास मिलता है, बट इसमें देख सकते हो तार लगाए। तार क्या करेगा, इसको घिसेगा बहुत फास्ट, मतलब पूरा चमक जाएगा ये। तो अभी अपने इसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या सच में ये चीज़ वर्थित है कि नहीं। बाकी इंजन रिस्टोरेशन मैंने किया, आप लोग के बहुत कमेंट आए पॉजिटिव, मुझे अच्छा लगा और मैं इसलिए एकदम डिटेल में वाला वीडियो बनाया ताकि कि आप लोग को भी फ्यूचर में कभी इंजन रिस्टोर करना पड़े तो आप इजीली रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी अपने इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। और मैंने फुल स्लीव का शर्ट पहन लिया क्योंकि इसके जो ब्लेड्स है, मतलब जो ये देख रहे हो ये तार जैसा, ये निकल के छटकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अपने अभी ग्राइंडर यूज़ करेंगे एंड फटाफट जो है इसको घिस देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। सो गाइस, मैक्सिमम जगह से हम लोग ने जो है रस्ट निकाल दिया है। अब जो बचा है उस पर हम लोग जो है रस्ट ऑन लगाने वाले, और इससे क्या होता है जो रस्ट रहता है वो छोड़ देता है एंड उसके बाद अपने वॉश करेंगे ना सिंपल, तो एकदम बेयर मेटल दिखने लग जाएगा। तो गाइस, जब तक अपना चेसिस सूख रहा है तब तक अपने इस पर रेड अपना पेंट रिमूवर मार देंगे, पेंट स्ट्रिप जो बोलते हैं, इसको लगा के छोड़ देंगे तो पूरा पेंट रिमूव हो जाएगा इसका। तो गाइस, टैंक पे आप देख सकते हो कि कितने छोटे छोटे होल है, उसको अपने लापी की मदद से पूरा भर देंगे। देखो, पुट्टी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है और हल्का सा किधर डेंट है यहाँ पे, इस पर पुट्टी अपने हल्का सा भर के लेवल कर लेंगे, डेंट निकालेंगे क्योंकि बहुत माइनर डेंट है। एंड अंदर मैंने रेड ऑक्साइड ऊपर से मार दिया है, बट ये देखो रेड ऑक्साइड मारने के बाद प्राइमर मारने के बाद फिर भी एक साइड से तो सही है, ये सूख ही गया ऑलमोस्ट, देख रहे हो ये। तो अभी अपने इस पर मार देते हैं, उसके बाद मिलते हैं।
सो गाइस जो अपनी चेसिस है यहाँ पे आप देख सकते हो फुल्ली रिस्टोर कर दिया हम लोग ने, एंड इस पे लेकर वेकर सब मार्क एकदम रेडी हो गया है। कल ही एक्चुअली हम मार दिया था, बट ये आप देख सकते हो किस तरीके से पूरा रिस्टोर किया, पहले कैसे था और अभी कैसा है। अभी इसकी लाइफ बढ़ चुकी है एंड आराम से ये नहीं तो नहीं फिर भी 5-7 साल बिना रस्ट के चल लेगी, क्योंकि हाँ इस पर रेडॉक्साइड मार के हम लोगों ने पेंट किया है। आप कभी भी चेसिस पे या तो लोखंड के पार्ट पे पेंट करते हो और ज़्यादा पुराना है उस पर रस्टिंग है तो उसको घिसने के बाद आप रेडॉक्साइड मार दोगे तो जो रस्टिंग है वो प्रिवेंट हो जाएगा। और देख सकते हो कितने अच्छे से हर एक जगह पर पेंट जो एकदम इवनली स्प्रेड हुआ है। अभी थोड़ा एक खुड़बुचड़ा कोई बच्चा देख रहे हैं, मतलब थोड़ा उबड़ खाबड़ वो रहेगा ही क्योंकि चेसिस के अंदर से इसका मेटल खा रहा था तो उसके अंदर ऐसा हो गया, बट ये तो सारी चीज़ें जो है एक्सपोज नहीं रहता है। जो जगह एक्सपोज रहता है उस पर हम लोगों ने फिनिशिंग की है, जैसे यहाँ पे देखो ये जगह ये सब फिनिशिंग की अच्छे से, ठीक है। और आपको टैंक की हालत बताता हूँ, पहले आपने देखा था टैंक कैसा था, पूरा रस्टेड था, एंड अभी देखो किस तरीके से दिख रहा है पूरा टैंक। इस पर हम लोगों ने रेडॉक्साइड मार के अभी इसके ऊपर पेंट करेक्शन बाकी है, क्योंकि अभी ये सब कचरा देख रहे हो पेंट करेक्शन में निकल जाएगा और थोड़ा बहुत ऑरेंज पील है वो भी निकल जाएगा, बट ओवरऑल जो आप शाइनिंग देख रहे हो ये देखो पूरा रिट्राइव हो गया है और काफ़ी ज़्यादा सही हो गया। देखो तो इस पे जो है अपना मेन चेसिस जो है अपने रिस्टोर कर दिया, इसके बाद अपने को वायरिंग परचेस करना है, कॉन्सेट परचेस करना है एंड आगे का पूरा फ्रेम बिठाना है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग को क्रोम पार्ट है हम लोग न्यू परचेस करेंगे, जैसे आगे का और पीछे का मडगार्ड, क्योंकि वो क्रोम में ही अच्छा लगेगा, उसको ब्लैक पेंट करेंगे तो इतना खास नहीं दिखेगा। सो गाइस आपने देखा हम लोग ने कंप्लीट जो है अपना चेसिस टैंक और उसका स्विंग आर्म जो है हम लोग ने पूरा कंप्लीट रिस्टोर किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में अपने जो है सामान का पूरा अरेंजमेंट करेंगे, जैसे अभी क्या क्या चाहिए, जैसे आगे पीछे का व्हील हो गया, फिर अपना वायरिंग हो गया, हेडलाइट्स हो गए, मीटर हो गया, वो सारी चीज़ें एकदम प्रॉपरली क्लीन करेंगे, क्योंकि अभी असेंबली स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई है। और दो पैनल अपने को खरीद के पेंट करना है साइड के छोटे छोटे, जिसका आर एस हंड्रेड लिखा हुआ आता है वो, जिसको अपने आर एस 135 लिखाएंगे, ऑफकोर्स 135 इसलिए, तो वो सारी चीज़ें करनी है। अपने रिस्टोरेशन का प्रोजेक्ट अपना कैसे चल रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने 100 क्रेक के बहुत ज़्यादा करीब है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, करते इस वीडियो के लिए एंड मिलते अपने अगले ब्लॉग में। एंड बहुत जल्द जो एकदम एक्साइटिंग रिस्टोरेशन आने वाला है यसडी के ऊपर, तो कितने लोग एक्साइटेड है प्लीज़ कमेंट ऑन बिलो, करते इस वीडियो के लिए मिलते अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।